आपको इस काम के लिए चाहिए, जितना आपको बड़ा कलेक्टनीस नंबर आने उतने होपर एंड चेस्ट, ऑलमोस्ट वन स्टैक ऑब्सिडियन, दो बकेट वाटर, एक बकेट लावा, चार ट्रैपडोर, पांच वो ऑब्जर्वर, एक साइन, एक स्लैब एंड एक डिस्पेंसर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप डिस्को गेमर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक गोल्ड फार्म इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.19। ये लेटेस्ट वर्जन का है और ये 1.18 1.17 में भी काम करता है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कैसे करना है, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको जमीन से चार ब्लॉक ऊपर जाना है, मैं जल्दी से चले जाता हूँ। वन, अरे वो गलत लग गया, टू थ्री फोर, ठीक है। अब आपको इधर एक ब्लॉक लगाना है और इस ब्लॉक को काउंट करके 15 ब्लॉक लगा देंगे, 15, ठीक है। मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, ठीक है। सब आपको क्या करना है, इधर से भी 14 ब्लॉक निकाल लेने हैं ऊपर, मतलब इस ब्लॉक को मिला के पूरे 15 ब्लॉक हो जाएंगे ऊपर के साइज। तो मैं जल्दी से वो भी कर लेता हूँ, इसे मैं आपके सामने कर दूँगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जल्दी से करता हूँ, वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, उसको 10 11 12 13 14 और 15। आप सोच रहे कि मैंने कहा था आपको 14 लगाना है, क्योंकि मैंने इस ब्लॉक को भी काउंट किया था इसलिए मैंने 15 लगाया है। तो इस साइड भी वही सेम प्रोसेस कर देना है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये गाइस, अब आपको क्या करना है, मैं आपको काउंटिंग भी कर लेनी है, आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान से लगाए तो जल और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। मैं जल्दी से ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए गाइस ये ज्वाइन हो चुका है। उसका एक आपको सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो आपको किसी भी साइड आ जाना है, हाँ इन चार ब्लॉक को तोड़ दीजिए, किसी काम के नहीं है, ये तो ऐसे ही लगाए थे ऑब्सिडियन रखने के लिए। आपको कोई से भी साइड आना है, इधर से 3 ब्लॉक लगाने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वर लेना है, उसको इधर रखना है, ध्यान रखिएगा उसका मुंह आगे के साइड हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर के आगे आपको एक और ऑब्जर्वर लगा देना, आपको ध्यान रखना बार बार इसकी विंडो जले और हो ध्यान से बार बार। उसको आपको आगे डिस्पेंसर लगाना है, डिस्पेंसर पे दबा के उसमें वाटर डाल देना है। तो जल्दी से मैं डाल देता हूँ, बस आपको ऐसी चीज़ बन जाएगी। उसके बाद आपको इधर ब्लॉक लगा देना है जिससे पानी नीचे जाए, नीचे ना जाए और आप परेशान ना हो। तो जल्दी से ऐसे आपको एक सिस्टम बना लेना है, सॉरी इधर एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक, बीच में छेद और नीचे एक ब्लॉक, से आपका पानी नीचे ना जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, ठीक है गाइस। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ ये चीज़, मैंने बहुत सारा सिस्टम बनाया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी दूर रहना है पोर्टल से और आपको एक दो बार इधर फ्लिंट एंड स्टील मारना है जिससे आपको पता चल जाए मॉब किस साइड स्पॉन हो रहे हैं। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक दो बार और मार लीजिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए मॉब दूसरी साइड स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है गाइस। अब मैं कंफर्म हो गया मॉब इसी साइड स्पॉन हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले पानी निकाल लूँगा, तो पानी बहुत दिक्कत कर सकता है अगर आप पहले डाल देते हैं। तो आपको इस सिस्टम को तोड़ देना है, तो मैं अभी जल्दी से तोड़ देता हूँ। आपको सामान का जो चीज़ें हैं ना उनको मैं बता चुका हूँ, बट तब भी आप मेरे हाथों में देख लीजिएगा। और जो चेस्ट और होपर है वो तो ऑटोमेटिक से फार्म में चाहिए होता है, तो वो तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इधर आना है, इधर एक ब्लॉक लगाना है, ठीक है। इधर जल्दी से मैं एक ब्लॉक लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको इधर एक ब्लॉक लगाना है, उसको आपको इधर से लेके जाना है, इधर इसको काउंट करना है, ठीक है। इसको काउंट करना है और फिर 7 ब्लॉक लगाना है, इसको काउंट करके, जैसे 3 हो गए, 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। एक और बार आप गिन लीजिए, क्योंकि उस गलत वहाँ का पूरा फार्म बिगड़ सकता है। तो जल्दी से मैं गिन लेता हूँ, 7 ब्लॉक है। तो उसके बाद आपको एक ब्लॉक इसके नीचे आ जाना है, तो इधर एक ब्लॉक लगा के इधर एक ब्लॉक लगाया, और जो आपने इधर टेम्परोली ब्लॉक लगाया तो उसे तोड़ देना है,
मैं पहले कह रहा हूँ आप कोई से भी ब्लॉक का यूज कर सकते हो। उसको इधर से आपको 7 ब्लॉक आना है, इसको काउंट करके जल्दी से। ये 1 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। उसके बाद आपको एक और ब्लॉक नीचे आना है जैसे हमने पिछली बार आए थे। ठीक है, तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ एक और ब्लॉक नीचे। फिर आपको इधर एक ब्लॉक लगाना है और इस तोड़ देना है। ठीक है, और अब बात है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। इधर से वैसे हमने 3-4 ब्लॉक नीचे आइए। ठीक है, उसका इधर एक ब्लॉक लगाइए, उसका इधर एक ब्लॉक, उसका ना ऐसे नीचे गड्ढा करिए। अब होगी आप पे, अगर आप ऑटोमेटिक पूरा बनाना चाहते हैं, आपको आने आपके मारने की जरूरत ना पड़े, आपको एक्सपी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, तो आप 22 ब्लॉक खोलिए। और आपको एक्सपी चाहिए, ज़्यादा सामान चाहिए, अपनी शॉट की डैमेज है ना, इस शॉट में मेंडिंग लगी हुई, तो आप लिए सबसे बेस्ट है लूटिंग 3 और मेंडिंग हो आपके पास, सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर 4-5 ब्लॉक आना है इधर, 4-5 नहीं 10 ब्लॉक तक। ठीक है, 10 ब्लॉक तक आ जाइए। इधर एक होपर लगा दीजिए, पर उससे पहले थोड़ा सा एरिया भी क्लीन कर लीजिए इधर की, आप खड़े हो पाए जैसे पूरा ना कलेक्टिंग सिस्टम बना सके। तो जल्दी से मैं एक जल्दी से कर लेता हूँ कलेक्टिंग सिस्टम। और लास्ट में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, तो उसे मिस ना करें। आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही ज़्यादा गोल्ड कमा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप मैं एरिया क्लीन करता हूँ। कैसा भी एरिया क्लीन करिए, आप पे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, पर ज़्यादा छोटा नहीं, आपको कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है। अब आपको क्या करना है, इधर चेस्ट लगा देना, मैं जल्दी से चेस्ट ले लेता हूँ। और अभी तो वाटर की ज़रूरत है पर फिल्टर स्टील के लिए। फिर तो आपको 2 चेस्ट लगाने, एक डबल टेस्ट चेस्ट और एक ऊपर, क्योंकि ये छोटा वाला फार्म है तो इसमें ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, आपको इधर एक गिलास लगा रहे हैं जिससे आप चेस्ट को वो खोल पाए, क्योंकि मैं खोल पा रहा हूँ उसका। इधर से आपको 4-5 ब्लॉक जितने भी आना है आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर के साइड खोद देना है, रुक जाइए हमें इधर से खोदूँगा। ऊपर की साइड खोदते हैं ना जब तक आप उधर ना आ जाए। देखिए मैं आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे ग्लास से कवर कर देना है किस चीज़ से पानी बाहर ना जाए, तो मैं भी जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको इधर आ जाना, अगर आपने चारों तरफ से कवर कर लिया तो आपको एक पानी डाल देना। और आप ध्यान से इधर एक बटन लगा दीजिएगा, मैं भूल गया बटन लगाना, बटन है साइन बोर्ड। मेरे ख्याल से आप साइन बोर्ड लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा, मैं साइन बोर्ड लेना भूल गया, तो मैं जल्दी से साइन ले लेता हूँ। और मुझे बताइए आप में से कौन अनलकी है जो मेरी वीडियो नहीं देखा अब तक, उन अनलकी भैया का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए जो मेरी आयरन फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा। हाँ, और कलेक्टिंग सिस्टम का और चीज़ आपको ना, कलेक्टिंग सिस्टम की ओर चले जाना, मैं जल्दी से चले जाता हूँ। गलती से मैंने साइन लगा दिया। आपको क्या करना है ना, इधर ऐसे करना है और इधर आपको स्लैब लगा देना। मैं स्लैब लेना भी भूल गया, तो जल्दी से स्लैब ले लेता हूँ। ये सबसे अच्छे वे जिससे आप अपना वो गोल्ड फार्म बना सकते हैं। अब आप ऐसे करेंगे, मस्त, मैं जल्दी से इसे सही करता हूँ। ठीक है, इसमें से तो होपर टूट गया था, पर आपसे नहीं टूटना चाहिए, तो मैं जल्दी से जाता हूँ ऊपर के साइड। ये चीज़ बनाना थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्लास की जो ये लेयर है ना, उसको 4-4 ब्लॉक आगे कर देना है, 3 नीचे लेकिन मिला के 4। देखिए ये मैंने 2 ब्लॉक आगे कर दिया, उसके बाद आपको 1, 2, 3 ऐसे 3-3 ब्लॉक ऊपर कर लेना है। तो मैं जल्दी से 3 ब्लॉक जल्दी से कर लेता हूँ। आपको कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो वापस देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से मजा आ जाएगा। फुल ट्यूटोरियल है, यूट्यूब पे कोई नहीं देगा ऐसा ट्यूटोरियल जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये बना लेता हूँ।
ये गाइस अब आपको इतना ध्यान रखना है ग्लास का लेवल सेम हाइट पे हो, इसका कोई कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, नीचे वाला कम ज़्यादा हो चलेगा, पर ऊपर वाला सेम साइड का हो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आपको इधर दो ब्लॉक लगाने, छोटे इधर इसको ले तोड़ दीजिए, इधर दो ब्लॉक लगाने हैं। ठीक है, फिर इधर एक ब्लॉक लगाना है, उसका ऑब्जर्वर लेना है। ठीक है, फिर इसको तोड़ देना है, उसके बाद जो आपने ब्लॉक लगाया तो उसके पीछे आना है और ऐसे ब्लॉक लगा लेना। ध्यान से इसका एरो पीछे की तरफ हो, मुंह सामने की तरफ हो, और ये आपको ये जो सिस्टम बनाया था ना पानी वाला, उसके एकदम अपोजिट साइड करना है, बिल्कुल उल्टा। उसका ऑब्जर्वर को देखते हुए आपको घूर, ऑब्जर्वर आपको घूर रहा है, हमें भी उनको घूरना है और ऑब्जर्वर लगा देने पूरे चार। फिर मैंने एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया। और ध्यान से ये आपको याद रखना है कि इधर की बत्ती बार बार जल के बंद हो रही है, तभी आपका फार्म अच्छे से वर्क करेगा। फिर आपको एक ब्लॉक इधर लगाना है, मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, और दो और एक ब्लॉक इधर लगाना है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं, उसके बगल में। और भाई पहले चीज़ बता दूँ, जो ऑब्जर्वर है ना उसमें कभी कभी ऐसे ब्लॉक लगाते तो लगता नहीं है, तो उसके लिए आपको ये अपना माइनक्राफ्ट को डिफेक्टेड पीस मत समझेगा, वैसे डिफेक्टेड पीस नहीं समझेगा अच्छा माइनक्राफ्ट रेट। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अब आपको एक एक ब्लॉक उसको हाई कर देना, सॉरी दो ब्लॉक। ठीक है, दो ब्लॉक जल्दी से मैं हाई कर लेता हूँ। मैं आपके सामने ये सिस्टम बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। ये फार्म मैं 10 बार बना चुका हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा बार। भाई कभी कभी फ्री बैठा रहता हूँ तो बना लेता हूँ, किसी और सर्वर में बहुत बार बनाए हुए फार्म, मेरे के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसका ना ये जो है ना, जो एरिया है और ये पोर्टल की तरफ हमारा साइन करता है ये एरिया, उधर आपको एक एक ब्लॉक छोड़ देना है नीचे साइड। अब आपको इधर ट्रैप डोर से लगा देना है, मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। अब आपको इधर लावा डाल देना है, सॉरी आपको इस साइड नहीं डालना, आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको इधर डाल देना, ठीक है। अब आपको फॉर्म ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आपने जो वाटर बकेट इधर से निकाला था ये आपको आप इसे पानी डाल देना, ठीक है। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। अब आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ी देर एफ के रहना है, थोड़ी देर बाद फॉर्म काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम तो कर रहा है अच्छे से, बढ़िया से आपके सामने पिंगलिन स्पॉन हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अभी भी स्टेप बचे हुए। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अपना मस्ट वाली शॉट जिसमें लूटिंग से और मेंडिंग लगाना है। ठीक है, तो अभी होपर अपने काम कर रहे हैं और देखिए कितना एफिशिएंटली ये, इसका भी आप चीज बना सकते हैं। देखिए अभी वापस आ गए, इंस्टेंट आटे इंस्टेंट। आपको बहुत सारा मिल रहा है, और अगर आपको मेरी तरह जो ऐसे ही फार्म को बहुत ही अच्छा बना देते हैं तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। ये इधर आके इतना बड़ा फार्म बना सकते हैं। मैं ऑन करता हूँ अभी इसको, सॉरी याद होगी, मैं जरा सो के आता हूँ तब आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा फार्म। और इट्स टाइम टू ऑन द दिस फार्म। ठीक है, इस फॉर्म को ऑन करते हैं और इसकी एफिशिएंसी मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। जो एक चार पोर्टल वाला मैंने फॉर्म बनाया बहुत तगड़ा सा, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, ये 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट बनेंगे एक पोर्टल वाले फॉर्म को बनाने में। मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया, और देखिए
दर्जनों में, अभी आपको नहीं दिख रहेगा, अब दिख रहे, दर्जनों में, दर्जनों में पिघले। और मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया है, मुझे कोई भी लालच नहीं है, इसलिए मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में पूरी इसी तरह लूटिंग जोर लेके माइनिंग लेके 2 दिन तक एक रहूँगा, ना कि एफिशिएंसी फार्म बनाऊंगा। ठीक है, मैंने आपके सामने जस्ट ऑन किया है, मैंने कोई भी काटा पुटी नहीं की है। ठीक है, और टाइम टू ऑफ दिस फाइन। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे ऑफ कर देता हूँ। और एक और चीज़ कहूँगा, जो फार्म है उसमें से 4-5 स्टेक गोल्ड और 4-5 स्टेक योटन फ्लेक्स हो गए, क्योंकि मैंने उसे निकाला नहीं था, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया 4-5 स्टेक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 स्टेक। सिर्फ 4-5 स्टेक। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना गोल्ड आ चुका है। ये नहीं, इनमें से इतना गोल्ड कुछ आ चुका है, इतना सारा गोल्ड आ चुका है। ठीक है, और टोटली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना है हमें गोल्ड मिलता है, कितना गोल्ड बनता है। तो मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ। ये चीज़ गलत है, मुझे फिर सर्वाइवल करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं सर्वाइवल करता हूँ। सर्वाइवल होने वा क्या, ये गुजर फिर से करता हूँ। हाँ, एक कमांड है जिससे आप अपना गेम मोड कभी भी चेंज कर सकते हैं। इससे बने मेरे कुछ 56 गोल्ड और 6 ब्लॉक्स। ठीक है, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय टाटा।